हाँ जी, सो गाइज ये है वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। एंड बहुत दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि पार्लर में बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, तो उसके लिए सॉरी। सो स्टार्ट करते हैं मेकअप। सो गाइज स्टार्ट करते हैं मेकअप। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं क्लिंजिंग। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ लोटस का क्लिंजर, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्लिंजर है, आप ये कह सकते हो। अच्छे से अपने फेस को हमें क्लीन कर लेना है, हमें अपने कस्टमर का करना है, तो मतलब कुछ भी कर सकते हो। और ये मैं पागलपंती कर रही हूँ, इग्नोर इट, क्योंकि गाने चल रहे थे। उसके बाद यूज़ कर रही हूँ मैं प्राइमर, स्विस ब्यूटी का प्राइमर। मैंने CTM कर लिया था। कुछ स्टेप्स ना हम मतलब क्लिप कट हो चुकी हैं, डिलीट हो गई बाय मिस्टेक, तो उनको मैं ऐड नहीं कर पाई। वैसे मैंने क्लिंजिंग करी, उसके बाद टोनर, उसके बाद मॉइस्चराइज़र भी मैंने अप्लाई करा था। उसके बाद हमने कंसीलर लगा लिया है अपनी आईज़ पर। अब हम स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ एक येलो कलर अपनी क्रीज पर, एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, जिसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। एंड मैंने कुछ न्यू ब्रशेज बाय करे हैं अमेजोन से। सो अगर आपको उनका रिव्यू चाहिए तो कमेंट मी डाउन गाइज, अगर चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अफोर्डेबल ब्रशेज हैं, अच्छे ब्रशेज हैं। अभी तो आए नहीं है वैसे, डिलीवर्ड हुए नहीं है। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ब्राउन शेड। एंड वीडियो शूट कर रही है मम्मी और कैमरे से वीडियो शूट कर रहे हैं ये। तो अभी तो कैमरे की सेटिंग बहुत ज़्यादा समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है, तो ठीक है। उसके बाद यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे ब्राउन शेड, डार्क ब्राउन शेड है, ब्लैक शेड नहीं है, क्योंकि इनको जिस टाइप का मेकअप चाहिए था, इन्होंने हमें एक पिक दिखाई थी, तो वो पिक मैं डाल दूँगी अगर हो मेरे को मिल गई मेरे पास तो, कि इस तरीके का मेरे को आई मेकअप चाहिए, तो हम बहुत हद तक उस तरीके का मेकअप मैं कर दूँगी इनका। तो अगर मेरे को पिक मिली तो मैं पक्का डाल दूँगी। सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे हैंग ब्यूटी का ये लिक्विड ग्लिटर, सॉरी लिक्विड आई शेडो, उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जो पिक थी उसमें ऐसा ही था कि स्मोकी एंड ग्लिटर का मिक्सचर था, ठीक है। तो अच्छे से कर लेंगे एंड उसके बाद फिर से ब्लेंड कर लेंगे। हार्श लाइन बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए आपके आई मेकअप में, आपका बेस में बिल्कुल भी हार्श मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, सब चीज़ बहुत ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडेड होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा गोल्ड मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इनकी ड्रेस में गोल्डन था और सिल्वर भी था आई गेस। सो अच्छे से कर लूँगी मैं एंड अच्छे से अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी। मुझे लगा इस वीडियो में मुझे वॉइस ओवर कर देना चाहिए, तो मैं इनको दिखा रही थी कि ठीक है, उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। तो वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने पिछली वाली वीडियो पे बोला था कि आप प्लीज़ वॉइस ओवर करते तो ज़्यादा अच्छा लगता, तो मैंने सोचा क्यों ना वॉइस ओवर कर दूँ। एंड आजकल पार्लर में बहुत ज़्यादा रश चल रहा है। अभी मैं रात के 10 बज रहे हैं, अब वॉइस ओवर कर रही हूँ, पार्लर से मेकअप करके ही आई हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा रश है। जैसे कि आपको पता है वेडिंग सीज़न बहुत ज़्यादा हाई है इस बार, क्योंकि ड्यू टू दिस करोना लॉकडाउन वगैरह वगैरह, तो अब वेडिंग सीज़न जब ओपन हुआ है तो बहुत सारी वेडिंग्स हो रही हैं, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम टेबल थोड़ा बिजी चल रहा है, ठीक है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। एंड बहुत सारे लोगों की वीडियो रिक्वेस्ट में पड़ी है, तो उनके लिए सॉरी। एंड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरा वन ऑफ द फेवरेट आई लाइनर, जो कि है कलर सेंस का आई लाइनर, जिससे मैं एक विंग आई लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। ज़्यादा थिन भी नहीं, ज़्यादा थिक भी नहीं, मतलब मीडियम, एकदम मीडियम वाला, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अच्छे से लाइनर को ड्रॉ करने के बाद जो भी एक्सेस फॉल आउट हुआ है उसको एक टिश्यू पेपर की हेल्प से मैं क्लीन कर लूँगी, ठीक है। तो अच्छे से हमें टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेना जो भी फॉल आउट हुआ है। आई मेकअप आप चाहे तो बेस के बाद कर सकते हो, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद ऐसे ही आता है कि मैं बेस बाद में बनाऊँ, ठीक है। उसके बाद अब यूज़ कर रही हूँ मैं प्राइमर। एंड बहुत प्यारी कस्टमर थी मेरी, बहुत प्यार से मतलब बातें कर रहे थे, तो बहुत प्यार से बात करती, तो आई मेकअप देख सकते हो बहुत अच्छा कम आउट आया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैं ADS का आईब्रो फिलर, जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया था, जिसका मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बाय करो, क्योंकि इसका जेल आईलाइनर बहुत गंदा आया था, आई डोंट लाइक इट। सो यहाँ पे हमारे यहाँ पे पुलिस राउंड मार रही है, मारती हैं वैसे मास्क वगैरह के लिए। तो आईब्रो को उसके बाद स्पूली से कॉम कर लिया फिल करने के बाद। एंड मेरा आई मेकअप इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी एंड एकदम से बीच में आ गई कि हमें मेकअप करवाना है, मतलब बुक नहीं करवाया था इन्होंने, लेकिन हम फ्री थे उस टाइम पे, तो हमने कर दिया। अदरवाइज अधिकतर सब बुक करा के जाते हैं, तो कभी कभी कैमरे का मतलब समझ नहीं आ रहा था, जा खा रहा है, मम्मा कहाँ ले जा रही है यहाँ पे कैमरा, मम्मा पीछे लाओ पीछे लाओ। तो अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड अभी थोड़ा बहुत कैमरे में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फोकस वगैरह का समझ नहीं आ रहा,
तो अच्छे से अपने बेस को ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा डर्मा का फाउंडेशन यूज़ कर रहा था, क्योंकि इनके ना मेरे को लग रहा था कि अंडर आइज़ में थोड़ा ग्लो चाहिए बहुत ज़्यादा, मतलब फीके से अंडर आइज़ में क्या बोल रही हूँ, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो हाइलाइटेड कंसीलर की तरह मैं इसको यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन को, और अच्छे से अप्लाई करके इसको ब्लेंड कर लूँगी। मम्मी थोड़ा कैमरा पीछे लाओ। मम्मा ने बिल्कुल कैमरा मुंह पे घुसा दिया। हाँ यहाँ ठीक है। तो कभी कभी मतलब ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मम्मा तो मतलब बहुत अच्छी वीडियो बनाई है काफ़ी हद तक मम्मी ने, मतलब मम्मी वीडियो देखने के बाद पीटना मत मेरे को। तो अच्छे से अब अपने कंसीलर को मैं ब्लेंड कर लूँगी, बहुत प्यारा तरीके से आपको ब्लेंड करना है, जल्दी जल्दी ब्लेंड कर लेंगे। हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी कॉन्टोरिंग, क्योंकि फेस थोड़ा ब्रॉड है जैसे कि आपको दिख रहा है, तो उसको थोड़ा शेप में लाएंगे। तो ब्रॉन्जिंग के मैं कर रही हूँ, क्रीम कॉन्टोर मुझे ज़्यादा करना पसंद नहीं है, तो मैंने बेकिंग करी है वैसे पाउडर की हेल्प से, लूज़ पाउडर की हेल्प से। एंड चीक्स को मैं ब्रॉन्ज कर रही हूँ, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड फिर वीडियो फास्ट कर देते हैं ना थोड़ा, तो ज़्यादा वीडियो थोड़ी अजीब सी हो जाती है, सो उस वजह से हाथ ऐसा लगता है कि फोकस नहीं आ रहा, लेकिन बहुत हद तक फोकस में ही था, लेकिन फेस पे फोकस था इस वजह से हैंड इस तरीके से हो रहा है मेरा। आई डोंट नो, मुझे कैमरे की सेटिंग अभी ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब पता नहीं है। ठीक है, मैं कितनी बार बोलूँगी इस बात को, मैं पागल हो जाऊँगी बोलते बोलते। नोज़ कंट्रोल भी मैं कर रही हूँ, सेम ब्रश की हेल्प से कर लेती हूँ मैं, क्योंकि इतना रश रहता है ना इस टाइम पे कि अधिकतर सभी अपने घर से लेट आते हैं और सबको जल्दी रहती है, तो हम भी जल्दी 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 सेम ब्रश से फिंगर से जल्दी जल्दी करते हैं। एंड मेरा आई मेकअप आई डोंट थिंक सो अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन वीडियो आप देखोगे आई गेस आप सभी को अच्छा लगेगा, क्योंकि ग्रीन ब्लू इस तरीके के कलर इसमें मैंने यूज़ करे हैं। तो ये बेकिंग की क्लिप अब क्यों आ रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वाओ, बेकिंग पहले होनी थी। माही त्यागी क्या कर रही हो आप? तो यार सॉरी, बिकॉज़ अब रात हो रही है और मेरे को नींद आ रही है, मेरे को चाय पीनी है। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन जितने भी चाय लवर हैं कमेंट में ज़रूर बताना। यार मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो चाय तो बनती है। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे पीच कलर का ब्लशर, क्योंकि ये अनमैरिड हैं तो पीच कलर का ब्लशर बहुत अच्छा लगता है अनमैरिड गर्ल्स पर। तो ये जो भी है अपना हुरन लेके यहाँ से प्लीज़ दफ़ा हो जाइए। तो अब अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, जिससे जो भी हार्श लाइन ना बने। कुछ लोगों को लगता है मतलब मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मतलब मैं कभी कभी नहीं, अधिकतर भगदड़ में ही वॉइस ओवर करती हूँ, तो उसकी वजह से हो जाता है, लेकिन इतनी भी गंदी इंग्लिश नहीं है मेरी जितनी आप समझ रहे हो। ठीक है, उसके बाद लगा रही हूँ हाइलाइटर मैं फेस पर। बेस देख सकते हो कितना फ्लॉलेस बना है, कोई भी हार्श लाइन नहीं है, एंड सब चीज़ बिल्कुल ब्लेंडेड सी दिख रही हैं। आईब्रो वगैरह, आई मेकअप, ओ माय गॉड आई मेकअप कितना प्यारा लग रहा है। ओ, मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा मेकअप कर दिया, ओ माय गॉड। एंड आईलैशेस लगने के बाद तो और ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड मेरी ड्रेस को बिल्कुल जज मत कीजिएगा, ठीक है। तो यार मैंने एक डांस की वीडियो बना रही हूँ, अभी तक जो वीडियो देख रहे होंगे ना वो बिल्कुल मेरे प्यारे वाले सब्सक्राइबर्स या प्यारे वाले व्यूअर्स या बहुत प्यारे वाले मेकअप लवर्स होंगे, क्योंकि अधिकतर सब वीडियो स्टार्टिंग में देखते हैं और फिर बोर हो जाते हैं। तो मैंने एक डांस की वीडियो शूट करी है, वैसे वो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे शर्म से आ रही है, मतलब मैं अपलोड करूँ ना करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आप बता देना यार कि क्या करूँ मैं, थोड़ा बहुत यार हेल्प करा दो मेरी, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। ठीक है, तो अच्छे से अपने चीक्स पर ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। एंड हमारे गली में ना सामने वाले हाउस में ही एक लड़की की शादी है, तो इस वजह से गाने वाने चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा है हमारी कॉलोनी में भी, बहुत ज़्यादा शादियाँ हैं। अब की बार हमारी गली में बहुत शादियाँ हैं, मतलब हमारे घर के आगे जो गली है, हम तो मेन रोड पर ही हैं। तो अब ब्लेंड कर लूँगी अपने मतलब हाइलाइटर को, ब्लशर को। एंड कुछ लोग कमेंट में कहते हैं आप नॉन स्टॉप क्यों बोलती रहती हो वीडियो में। अगर मैं नॉन स्टॉप नहीं बोलूँगी तो यार सब बोर हो जाएंगे, और सब बोर हो जाएंगे तो मेरे व्यूअर्स कम हो जाएंगे, मेरे सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, मेरा दिल टूट जाएगा, तो मैं बहुत रोऊँगी यार। तो ठीक है,
क्या बकवास करी, मैं पागल हो चुकी हूँ। तो ठीक है यार, हो जाती हूँ मैं कभी कभी पागल। इस पागल को भी प्यार कर लो यार। मैं पागल तुम पागल, सारी दुनिया पागल। क्या कर सकते हैं, तो सीरियस मत ले लें, नहीं हो आप पागल, बस मैं ही पागल हूँ। ठीक है, अब ब्राउन शेड को मैं लोअर लैशेज़ में अप्लाई कर रही हूँ, लोअर लैशेज़ के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत हो जाना, कभी लोअर लैशेज़ में ही ब्राउन कलर लगा दो। नहीं 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 नहीं, समझ जाओ, समझो मेरी भावनाओं को। तो अब ना हमने जैसे कर दिया, तो जो भी फॉल आउट है उसको रिमूव कर देंगे, एक बार लाइनर का टचअप कर देंगे, क्योंकि लाइनर पे थोड़ा ना पाउडर की लेयर सी लग जाती है, तो थोड़ा वाइटिश सा हो जाता है। और यहाँ पे आप मेरे रियल नेल्स देख सकते हो, कितने गंदे लग रहे हैं छुटुक छुटुक से यार, इनकी कितनी वो कर लो बट फिर भी ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ काजल, ब्लैक कलर का काजल मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि स्मोकी है तो थोड़ा ब्लैक ही अच्छा लगेगा, थोड़ा क्या ब्लैक ही अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे मैं लगा रही थी आई लैशेज पे ग्लू, तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में हमने इनका मेकअप करा था, मतलब इतनी जल्दी क्यों थी इतनी जल्दी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। एंड आई लैशेज लगाने के बाद तो लुक बिल्कुल चेंज ही हो जाता है, आप खुद ही देख लेना कितना प्यारा लुक आएगा लास्ट में। तो आप दिखाने वाले हम आपको अपना फाइनल लुक, मतलब पहले तो आईज़ का लुक देख लो कुछ इस तरीके का आया है, एंड फाइनल लुक तो आप देख ही लोगे। सो गाइज, ये था मेकअप लुक, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।